तो चलिए आज मैं आपको एमएस पेंट में फ्लैग का डिज़ाइन बनाकर दिखाता हूँ, उसका कलर कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेंट को ओपन कर लेंगे। पेंट को ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडोज आर बटन को प्रेस करो, यहाँ पे पी ब्रश टाइप करो, ठीक है, और पेंट ब्रश ओपन हो जाएगा। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको पेज का साइज सेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको रीसाइज पे आना है। रीसाइज पे आने के बाद आप पिक्सल पे आ जाओगे, यहाँ से मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो इस पर क्लिक करना, यहाँ से टिक हट जाएगा। उसके बाद होरिजेंटल में हम यहाँ पे रख देते हैं, मान लीजिए क्या कि 951, आप जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो। यहाँ से ओके किए, ठीक है, ये मेरा साइज एडजस्ट हो गया। अब क्या करना है मुझे कि यहाँ से ये जो है लाइन, ठीक है ना, लाइन वाले को ले लेना है यहाँ से शेप में से, और ऐसे तिरछा यहाँ पे इस तरीके से कट करना है। ठीक है, फिर हम इधर से भी कर लेते हैं सेम ऐसा। इतना करने के बाद आपको अब कलर चूज करना है, जैसे यहाँ से हम ले लेंगे फिल विथ कलर वाले, यहाँ से केसरिया कलर ले लिए, यहाँ से हम ग्रीन ले लिए। ठीक है, अब आपको जाना है रिसाइज पे, पिक्सल पे जाना है, मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो पे क्लिक करना है, और यहाँ हॉरिजेंटल वाले में जो है ना 951 इसको 1 कर देना है। उसके बाद आप ओके कर लो, फिर वापस रिसाइज पे आओ, पिक्सल पे आओ, मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो को हटाओ, यहाँ से 951 वापस लिख दो, ओके कर दो। यहाँ पे देख सकते हो फ्लैग में जो कलर होता है, ठीक है ना, वो कलर आपका यहाँ पे बन के आ गया। अब इस पे आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से टाइप कर सकते हो इंडिया। ठीक है, अब इसका साइज बढ़ाना है तो आप साइज भी बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, और इस तरीके से इसको इस तरीके से प्रेस कर लेना है और इसको